दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फास्ट ग्रोइंग में आपको दिखाने वाला हूँ पिलखन की फास्ट ग्रोथ। बोनजाई में पिलखन भी एक सबसे फास्ट ग्रोथ वैरायटी के अंदर है। ये भी लगभग पूरे साल बढ़ता ही है। और ये दोनों प्लांट्स मैंने रिपोर्टिंग की भी वीडियो डाली थी। अब देखो आप इन पे पूरे हरे भरे हो गए हैं रिपोर्टिंग के बाद। अब क्या है, ये मैंने लैंडस्केपिंग प्लांट्स थे तो एज ए बॉन्जाई ग्रो नहीं किए थे, तो मैंने मोटे पेड़ खरीदे थे, फिर उनको मैंने काट के दोबारा से एपेक्स डेवलप करके इनको ब्रांचेस सेट करके ये बनाया है। तो आज मैं आपको पिलखन दिखा रहा हूँ जो कि मेरी लगभग 2 से 3 साल में ही लगभग शेप में आ गई हैं। और मैं बता दूँ मैंने फील्ड में ग्रो नहीं किए हैं, ये मैंने सीधे मोटे पेड़ खरीदे थे जो कि मिल जाते हैं जो लैंडस्केप करते हैं या कोई नर्सरी टिम्बर की नर्सरी हो उनके पास आपको मोटे पेड़ मिल जाएंगे। आप उनको एक, अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप 1 फीट से काट दो, और आपके पास खुला ग्राउंड है तो आप अच्छा 2-2.5 फीट का पेड़ बना सकते हैं पिलखन को। देखो दोस्तों ये इसमें एक साइड ब्रांच नहीं थी, तो हमने क्या किया फिर ऊपर की ब्रांच को ही हम नीचे लेके आ गए हैं इसका डेवलप करने के लिए। तो एक इसकी कैनोपी सी बन गई है, तो मैं इसे बॉन्साई तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मैं, अगर आपके किसी साइड ब्रांच नहीं है तो आप दूसरी ब्रांच को ऊपर से नीचे लाके उससे प्ले कर सकते हो। अब कल हमने यहाँ पे अपने पेड़ पिलखन के जो मैंने स्टेम्स खरीदे हैं ना उनकी हमने हार्ड प्रूनिंग करी है कि दोबारा से ग्रोथ लेने के लिए। ये पिलखन है देखो, ये मैंने 2 फीट ऊपर से काटा था और इसका नया लीडर चला है, तो वो अभी 2-3 बार और कटेगा तो 2-3 साल में ये भी शेप में आ जाएगा। दोस्तों ये बीच में पिलखन के बीच में आ गया है चिलबिल, ये पूरी साल बढ़ता है, बहुत बहुत ग्रोथ रहती है इसकी, तो अच्छी वैरायटी है इसकी भी मैं बाद में बताऊँगा। ये बीच में था तो मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ आपको। डेंस पौधा है और इतने पत्ते होते हैं कि इसके अंदर बारिश नहीं आती आसानी से, बारिश का पानी नहीं आता इसके अंदर। ये देखो इसकी ब्रांचेस हमको मिल गई हैं, लगभग कल काटा है हमने, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पिलखन पे ज़्यादा क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोथ है तो ये सारी पिलखन ही हैं। ये देखो ये पीछे देखो आप मेरा, ये फुल ट्री है देखो, पॉट के अंदर है। इस वाले हिस्से में मैं अपनी पिलखन ग्रो कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने सेल्टिस को नंबर 1 दिया है तो ये किसी फास्ट ग्रोथ में तो ये पिलखन किसी से कम नहीं है, पिलखन भी आप नंबर 1 ले सकते हो। बस इसके ड्रॉबैक यही है कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, पर आप इसको रेगुलर प्रून करते रहो तो थोड़ा पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है। ये देखो पूरे मैंने बड़े ही पेड़ खरीदे थे, फिर मैंने इनको 2-2 फीट से काट के दोबारा से मैं डेवलप कर रहा हूँ इनके ब्रांचेस लेके ना। तो आपको पिलखन कहीं भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है पिलखन, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप ग्रो करो, ग्रो हुए प्लांट्स भी आप खरीद के उनको काट के दोबारा से डेवलप कर सकते हो। ये देखो इनके बेस देखो। तो दोस्तों मैं इन पे पिलखन पे ज़्यादा काम करने का, मेरा सबसे ज़्यादा मैंने पिलखन ही सेल किए हैं अब तक, क्योंकि पहले मटेरियल का मुझे ज़्यादा पता नहीं था तो पिलखन इजीली मिल जाता है, तो इजीली मिल रहा है तो हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों भी पिलखन को पे काम करो, अच्छी वैरायटी है। ये देखो सारे पत्ते पत्ते दिख रहे होंगे आपको। मेरी नर्सरी के काफ़ी पार्ट्स हैं, तो इधर मेरा पिलखन का मैंने अलग से कर रखा है, इधर कुछ ये आपके वाइकस भी आ गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं पिलखन के बारे में ये बताना चाहता हूँ आपको कि पिलखन बहुत फास्ट ग्रोथ है
और आप बड़े पेड़ को भी लगा के ना उसको तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों पिलकन पे भी काम करो, बेचो, सेल करो, या फिर अपने लिए बना रहे हो तो अपने लिए बनाओ। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कहीं पता करना है कहाँ मिलता है पिलकन, तो हर नर्सरी पे मिल जाएगा आपको, पर मेरी ये एडवाइस है आप बड़ा ही पेड़ और मोटा पेड़ लेके उसे काट के बनाओ, टाइम बचेगा आपका। दोस्तों धन्यवाद।